वेरी गुड ईशा, वेरी गुड रक्षिता, वेरी गुड तृप्ति, इन एग्जैक्ट साइंस भी बोल सकते हैं या सोशल साइंस भी। आई होप मैंने आपको जो कल पढ़ाया था, वेरी गुड बेटा, आपको एकदम अच्छे से ना सब समझ आ गया होगा और आपको ना बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। गुड, वेरी गुड बेटा, ये आपको क्लैरिटी से समझ आ गया होगा। अब क्या कुछ टॉपिक्स बचे और चैप्टर वन कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैंने जो पढ़ाया है मुझे लगता है कि आपने कॉपी में नोट वोट कर लिया है ना, और हैंड रेस करो, ये सब चीजें कॉपी में नोटेड है आपके पास जो क्लास में पढ़ाता हूँ, नोटेड। क्या करते हैं, अब ये चैप्टर खत्म होने को आ रहा है, उसके बाद आपको मैं इसका नोट्स दे देता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व पूरे करवा देता हूँ, तो चैप्टर वन हमारा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार आइडिया दे दो अभी बचा क्या क्या है हमको इस चैप्टर में करने को। हमारा चैप्टर वन में हमने मॉडर्न कंसेप्ट कर दिया, ऑब्जेक्टिव कर दिया, नेचर कर दिया, अब इसमें बचे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमको करने हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अपन करेंगे, और जब सब खत्म हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन करेंगे। इतना हमारा कंसेप्ट और बचा है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होगा। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कौन ये बता पाएगा कि रिलायंस जो कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको फाउंड किसने किया था, इस कंपनी को किसने बनाया था, ये बताओ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किसने बनाया था इस कंपनी को। गुड मॉर्निंग बेटा, किसने बनाया था इस कंपनी को, कौन से अंबानी। 7,000 रुपए से शुरुआत की गई थी रिलायंस की, और इसको बनाया था धीरू भाई अंबानी ने, और उनके साथ कुछ और लोग थे, ठीक है, धीरू भाई अंबानी ने बनाया था। तो अब ये बताओ, जब रिलायंस बनी तो धीरू भाई अंबानी बिजनेस के ओनर थे कि मैनेजर थे, कि दोनों थे। वेरी गुड, बिल्कुल। अगर मेरा बिजनेस है तो यार मैं ओन करता हूँ, तो मैनेज भी मैं ही करूंगा, चलाऊंगा भी मैं ही, फिर अपने अंडर क्या करूंगा, लोगों को रखूंगा जो मेरे बोलने के हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। आपको ये चीज अगर समझ आ गई है तो अब मैं आपको बता सकता हूँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितने लेवल पे काम करता है। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुन लेना बेटा और एकदम अच्छे समझ लेना, अगर कॉपी में नोटिंग हो रही होगी तो नोट करना। एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, मैनेज करना इतना आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, एक जगह को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए तीन लेवल बनाते हैं। जो सबसे बड़ा लेवल होता है उसको बोलते हैं टॉप लेवल, ठीक है। टॉप लेवल के नीचे जो लेवल आता है उसको हम बोलते हैं मिडिल लेवल, ठीक है, और मिडिल लेवल के जो नीचे आता है उसको हम बोलते हैं लोअर लेवल। कभी भी याद रखना, चीजों को मैनेज करने के एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं। इन लेवल्स के नीचे फिर आते हैं वर्कर लोग, एम्प्लॉय लोग, ठीक है। इस बात को एकदम क्लैरिटी से आप समझ लो और आप एकदम भूलना मत, मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और इसके नीचे जो आते हैं वो वर्कर आते हैं। टॉप लेवल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं बेटा, जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स हैं उनको टॉप लेवल में हम काउंट करते हैं। जैसे कि आपको इसका मैं एग्जांपल दूं, कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, या प्रेसिडेंट होते हैं, या चेयरमैन होते हैं,
ठीक है, या सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, या सीएफओ होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, इनको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बॉसेस होते हैं, ये बॉस है, तो इनको हम रखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। ठीक है, पहले कौन कहाँ पे है वो आप समझ लो। कभी भी आपसे कोई पूछे टॉप लेवल पे कौन आता है तो आप बोलोगे सर ओनर्स आते हैं बिजनेस के, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये लोग टॉप लेवल पे होते हैं। पहले आप बताओ टॉप लेवल पे कौन आते हैं, ये समझ आया कि नहीं है? टॉप लेवल पे कौन आते हैं, ये समझ आया कि नहीं है? ठीक, अब ये क्या है, मेन ओनर्स हैं। अब इनको क्या करना होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, तो ये क्या करते हैं, मिडिल लेवल क्रिएट करते हैं। सब लोग अभी से समझ लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। मिडिल लेवल पे आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर। ठीक है, पूरा लॉजिक भी सिखाऊंगा मैं इसको आपका। डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर मतलब अगर किसी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलना है तो उसको छोटे छोटे एरिया या डिपार्टमेंट बनाने होंगे, जैसे जहां चीजें बनेगी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां से बिकेगी वो सेल्स डिपार्टमेंट, जहां से मार्केटिंग होगी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और जहां पैसे का लेन देन होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इन डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, सेल्स मैनेजर होगा। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कौन होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट का कौन होगा हेड, फाइनेंस मैनेजर होगा। तो अब इनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजर को मतलब सिर्फ अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, सेल्स मैनेजर को मतलब अपने सेल्स डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग मैनेजर को मतलब अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, और फाइनेंस मैनेजर को मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। तो ये मिडिल लेवल पे आते हैं। ठीक है, टॉप लेवल पे पूरे ओनर्स है, इनको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में बांटा और डिपार्टमेंट्स के हेड बना दिए हैं जो डिपार्टमेंटल मैनेजर या मिडिल लेवल मैनेजर कहलाते हैं। आप बताओ आपको इतनी बात समझ आई कि नहीं पहले? आप बताओ आपको इतनी बात समझ आई कि नहीं? आ गई। अब इसके नीचे जो तीसरा लेवल होता है उसको लोअर लेवल बोलते हैं बेटा, और लोअर लेवल पे ना बेसिकली जो आते हैं वो कहलाते हैं सुपरवाइजर या फोरमैन। ये वो होते हैं जो वर्क करवा के देते हैं, हु गेट्स द वर्क डन, जो काम करवा के देगा वो फोरमैन कहलाएगा या सुपरवाइजर कहलाएगा। इनका काम है वर्कर लोग से काम करवाना। तो आप ये दिमाग में बिठाओ कि मैनेजमेंट के तीन लेवल हैं भैया, जिसमें ओनर आते हैं वो टॉप लेवल है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड है वो मिडिल लेवल कहलाते हैं, उनके नीचे आते हैं हर डिपार्टमेंट में कुछ सुपरवाइजर्स और फोरमैन। सुपरवाइजर वो होता है जो वर्करों से काम करवाता है, फोरमैन वो होता है जो मशीन पे काम करवाता है वर्करों से। ये लोअर लेवल पे आते हैं। इन लेवल्स के नीचे जो आया वो वर्कर कहलाया। आप यस और नो करके बताओ आपको इतना समझ आई कि नहीं आई मेरी बात? आपको मेरी इतनी बात समझ आई कि नहीं? आ गई। तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हूं और मुझे वहां पर सीईओ बनाया गया है, तो मैं किस लेवल का पर्सन हूं? मैं टॉप लेवल पे आता हूं। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में बोला गया है कि आप क्या करो, एक डिपार्टमेंट के हेड बन जाओ। आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं होगा, आप एक डिपार्टमेंट के हेड बन जाओ, तो मैं कौन सा लेवल पे आता हूं? मुझे ये बोला गया कि जमशेद सर एक स्कूल है, सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, उसमें क्या करो, आप कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी बन जाओ, तो मैं कौन से लेवल पे हूं?
कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी बन जाता हूं, मैं कौन से लेवल पे? मैं मिडिल लेवल पे हूं, क्योंकि मेरे को किसी चीज से मतलब नहीं होगा, मेरे को अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट से मतलब है। अब मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड मैं हूं, तो मैं मिडिल लेवल पे आता हूं। ठीक है, मुझे ये कहा जाए कि सर आप एक काम करो, पूरे स्कूल को आप ही चलाओ, आप स्कूल के डायरेक्टर बन जाओ, तो मैं कौन से लेवल पे आऊंगा? मुझे बोला गया स्कूल में जितने वर्कर्स काम करते हैं, उन वर्कर्स से आप वर्क करवा के दोगे सर, आप उनको सुपरवाइज करो, तो मैं किस लेवल पे हूं? आपसे वन मार्क में क्वेश्चन आता है कि फोरमैन किस लेवल पे होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? फोरमैन किस लेवल पे होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? बस, तो पहले तो ये बता दो सभी लोग, आपको ये तीनों लेवल समझ आ गए कि नहीं? लिखना है तो लिख लो, फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो यार इसकी। समझ आ गया आपको? अब अपने को इसमें करना क्या है ये समझो, अपने को अब ये पता होना चाहिए कि अगर आप बात कर रहे हो टॉप लेवल की तो टॉप लेवल का काम क्या है, अगर आप बात कर रहे हो मिडिल लेवल की तो मिडिल लेवल क्या करता है, और अगर आप बात कर रहे हो लोअर लेवल की तो लोअर लेवल का क्या काम है। तीनों के काम की बात करते हैं, तीनों के फंक्शंस की बात करते हैं। और एग्जाम में याद रखना, मैं आपको बता दूं, ये 4 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन होता है कि कोई भी एक लेवल के फंक्शन आपसे पूछ देता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल, या एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल, या एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लोअर लेवल। तो क्योंकि 4 मार्क का ही क्वेश्चन हमेशा इससे आता है, तो अपन सबके कितने कितने पॉइंट पढ़ेंगे, 4-4 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम इजी है, आपको सिखा दे रहा हूं, आपको कोई डाउट भी नहीं जाएगा। टॉप लेवल भाई ये बॉस है, इसको मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन से। सही बात है गलत बात है, यस और नो? इसको मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका काम क्या क्या आता है? सबसे पहला, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान्स एंड पॉलिसीज होती है, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो टॉप लेवल डिसाइड करता है कि हमको क्या अचीव करना है। दूसरा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितनी रिसोर्सेस लगती है, असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेस, ये सारी रिसोर्सेस टॉप लेवल अरेंज करके देता है। जैसे आपको लैंड चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, ये सब कौन अरेंज करके देता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज करके देता है। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना डायनामिक, जितना बेहतरीन ये रहेगा, टॉप लेवल बॉसेस जितने अच्छे रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ज्यादा क्या करेगी, ग्रो करेगी। लास्ट, लायसन वर्ड पहली बार जीवन में आप सुन रहे होगे, अब इसको सीख लो, आगे भी काम आएगा। इसका मतलब होता है डीलिंग विथ आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड में कौन आ जाता है? आउटसाइड वर्ल्ड में मीडिया आ जाती है, आउटसाइड वर्ल्ड में गवर्नमेंट आ जाती है। इन सब से डील करने का काम कौन करेगा? ओनर करेगा, मालिक करेगा, नौकर को थोड़ी भेजेंगे अपन। तो अगर मैं टॉप लेवल में आता हूं, मैं बॉस हूं, तो यार मुझे ये सब करना है, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनानी है, रिसोर्सेज गैदर करनी है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मैं मालिक हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और सबसे डील करने का काम भी मैं ही करूंगा। आप बताओ, आपको ये 4 फंक्शन समझ आए कि नहीं आए? आपको ये 4 फंक्शन समझ आए कि नहीं आए? हाँ या ना करके फटाफट बोलो, तो अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप मिडिल लेवल पे आते हो तो सीधी सी बात है, आप बॉस नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन के। आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया गया है और आप उस डिपार्टमेंट के क्या हो? हेड हो। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से पूरे मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ किससे मतलब है? अपने डिपार्टमेंट से मतलब है। तो आपका क्या क्या काम होगा? तो सबसे पहला, ऑर्गेनाइजिंग
द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट की जितनी एक्टिविटीज है, आप अपने डिपार्टमेंट के बॉस हो, ऑर्गेनाइजेशन का बॉस तो टॉप लेवल है, आप अपने डिपार्टमेंट के बॉस हो, आप मिडिल लेवल पे आते हो, तो आपके डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटी होगी उसको आप ऑर्गेनाइज करो, आप चलाओगे, ये पहली बात। दूसरी बात, फाइंडिंग आउट मोस्ट सुटेबल एम्प्लॉय फॉर डिपार्टमेंट, आपको अपना स्टाफ बनाना पड़ेगा, बॉस थोड़ी ना अपने लोगों को लाके देगा, अपने डिपार्टमेंट के लिए आपको खुद लोग ढूंढने पड़ेंगे। अगर मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन होगा वो मुझे डिसाइड करना है, ओनर्स आके नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है। दो फंक्शन समझ आ गए हो तो हैंड रेस कर दो, दो फंक्शन समझ आ गए होंगे तो हैंड रेस कर दो। तीसरा इसका काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज, बॉसेस जो पॉलिसीज बताएंगे इन पॉलिसीज को ये इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करने का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझेंगे, क्योंकि बॉस सिर्फ पॉलिसी बनाता है, काम नहीं करता, काम तो ये डिपार्टमेंट के लोगों को करना होता है, तो इनको सारी पॉलिसीज को समझना पड़ेगा। और लास्ट, कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑपरेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोऑपरेशन नहीं रखोगे तो क्या होगा, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रन नहीं कर पाएगी। सर ये पॉइंट ना नहीं समझ आया हमको, तो मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला जो है अपनी मर्जी से चलता है, वो बोलता है मेरे को जितना बनाना है मैं बनाऊंगा, ठीक है, पर सेल्स डिपार्टमेंट वाला कहता है कि सर इतना मत बनाओ, सामान अभी जरूरत नहीं है, तो अगर ये एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो जो पूरे गुड्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, ओवर प्रोडक्शन हो गया रहेगा, तो इनको एक दूसरे से कोऑपरेट करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट को, जितना जरूरत हो उतना ही प्रोड्यूस हो फिर उतना ही सेल हो। तो अब देखो काम एकदम अलग है यार, बॉस का क्या काम है, पॉलिसी बनाना, रिसोर्स लाना, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और लोगों से डील करना। आप मिडिल लेवल पे आते हो, आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को देखना है, वहां के लोगों को देखना है, आपको बॉसेस की पॉलिसीज को समझना होगा और दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करना होगा। आप यस और नो करके मेरे को बताओ, आपको ये सारी बातें एकदम अच्छे समझ आ गई कि नहीं, आपको एकदम अच्छे समझ आ गई कि नहीं आ गई, अब बेटा जो तीसरा डिपार्टमेंट हमारा है, तीसरा लेवल जो है बेटा, ये जो लेवल है ना ये लोअर लेवल है, इसपे कौन आते हैं मैं आपको बताया हूं, इसमें आते सुपरवाइजर, अच्छा इसमें आते फोरमैन। सर ये फोरमैन वर्ड का एक्चुअल में क्या मतलब होता है, फोरमैन वो होता है जो मशीनों पे काम करता है, अक्सर ये येलो ड्रेस में होते हैं, देखना कंस्ट्रक्शन साइट पे या तो येलो कपड़ा पहने रहते हैं या येलो हैट लगाए रहते हैं, ठीक है, येलो टोपी लगाए रहते हैं, वो फोरमैन होते हैं। इनका ना सीधा कनेक्शन जो होता है वर्कर लोग से होता है, क्योंकि सारे वर्करों से यही काम कराते हैं, मिडिल लेवल तो इनको बोल दिया जाओ यार ये टारगेट है वर्कर लोग से काम कराओ, तो इनका कनेक्शन जो है वर्करों से बना हुआ है, ठीक है। तो इनका क्या क्या फंक्शन है सबसे पहले समझ लो, क्योंकि ये वर्कर से जुड़े हैं तो इनका सबसे पहला काम है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, ये एंश्योर करेंगे कि जो वर्कर्स है उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, मतलब उनको कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। दूसरा लुकिंग आफ्टर सेफ्टी ऑफ वर्कर, ये एंश्योर करेंगे कि किसी वर्कर का एक्सीडेंट ना हो, बहुत सेफली क्या करे काम करे, ठीक है। तीसरा रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट, आप समझो यार टॉप लेवल तो बॉस है उसको क्या वर्कर से मतलब है, मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट के हेड है वो अपने डिपार्टमेंट को देखेंगे, ये जो अपना लोअर लेवल का पर्सन है जो मैनेजर है ये वर्कर से कनेक्टेड है, तो वर्कर को अगर कोई भी कंप्लेंट होगी वो आके लोअर लेवल मैनेजर को करेगा, लोअर लेवल फिर ये बात मिडिल और टॉप को बताएगा कि सर वर्करों को ये परेशानी हो रही है थोड़ा देख लो, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाएगी। और इसका आखिरी काम है मोटिवेटिंग द वर्कर, वर्करों को ये मोटिवेट करता है कि चलो अच्छे से काम करो, जय माहिष्मती, अच्छे से काम करो, रिजल्ट दो तो तुम्हारी भी सैलरी बढ़ेगी,
तो ये है भैया तीन लेवल और इनके ये काम है। आप लोग देख लो, लगे तो फोटो खींच लो, और कोई तकलीफ हो तो बताओ मेरे को कि सर ये तकलीफ आ रही है हमको, कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप। आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये चीज समझा दो, हमको नहीं समझ आ रही, नहीं है तो मैं आपको फिर समझा दूंगा। अदरवाइज मैं मान के चलता हूँ कि आपको तो एकदम क्लैरिटी है और ये सारी चीज एकदम अच्छे से आपको समझ आ गई है। बेटा तीन लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, जो बॉस होते हैं वो टॉप लेवल पे होते हैं, इनका काम होता है प्लान्स एंड पॉलिसी बनाना, सारी रिसोर्स लाना, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना। पर टॉप लेवल खुद से सारे काम नहीं करते हैं, वो अपने वर्क्स को डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजर कहलाते हैं। ये अपने डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं। इनके बाद आते हैं लोअर लेवल, जो वर्करों से काम कराने का काम करते हैं। जैसे अपन यहाँ एक एग्जांपल दे देते हैं, इससे चीज थरो हो जाएगी। आज की डेट में बोलता हूँ साहिल ने, ठीक है, और विजय ने सोचा कि वो यार एक बिजनेस सेट करेंगे, वो एक फैक्ट्री डालेंगे, इस फैक्ट्री में डिटर्जेंट बनाया जाएगा, ठीक है, और इनकी कंपनी का नाम होगा तूफान डिटर्जेंट, ठीक। तो अब क्या होगा कि डिटर्जेंट बनाना इतना आसान थोड़ी ना है, पहले डिटर्जेंट के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, फिर उससे आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, फिर मार्केटिंग लगेगी, फिर बेचना पड़ेगा, सेल्स लगेगा, फिर पैसे का भी बराबर हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो साहिल और विजय ये पूरा काम थोड़ी करेंगे, ये क्या करेंगे, ये सारे डिपार्टमेंट के लिए एक हेड रख देंगे कि ये जैसे रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट है, इसको अपन परचेज डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, फिर प्रोडक्शन मार्केटिंग सेल्स फाइनेंस, इसमें सब एक एक हेड हो गए। जैसे हेड कौन कौन है, उन्नति हेड है, प्रेरणा हेड है, ठीक है, उसके बाद और कौन, अजीजा हेड है, ठीक, करण हेड है, आदित्य हेड है, ठीक। अब ये हेड है मतलब ये खुद अपने डिपार्टमेंट के बॉस हैं, तो ये क्या करते हैं अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जमशेद सर जैसे लोगों को, ईशान सर जैसे लोगों को क्या करते हैं, रख देते हैं कि आप लोग हमारे सुपरवाइजर हो, हम जैसे ऐसे बोलेंगे आप लोग क्या करना, जाके वर्कर लोग से काम करवाना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बता दो भैया कि साहिद और विजय किस लेवल पे आते हैं, साहिद और विजय किस लेवल पे आते हैं, साहिल और विजय किस लेवल पे आते हैं, उन्नति, प्रेरणा, अजीजा, करण, आदित्य, ये किस लेवल के लोग हैं, जमशेद सर, ईशान सर किस लेवल पे आते हैं, तो ये बताओ कि अगर वर्कर लोग को कोई प्रॉब्लम हुई, वर्कर लोग को कोई प्रॉब्लम हुई तो किस लेवल को बताएंगे अपनी प्रॉब्लम, वर्कर लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो किस लेवल को बताएंगे, वो लोअर लेवल को बताएंगे, क्योंकि लोअर लेवल ही वर्कर लोग से कनेक्टेड है, ठीक है। रिसोर्स कौन असेंबल करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल कौन लाएगा, कौन सा लेवल लेके आएगा, पॉलिसीज को अंडरस्टैंड कौन करेगा, इंटरप्रिटेशन कौन करेगा पॉलिसीज का, पॉलिसी को समझने का काम कौन करेगा, हमेशा याद रखो पॉलिसी बनाने का काम जो होता है वो टॉप लेवल करता है, बनाने का काम टॉप लेवल, समझने का काम मिडिल लेवल,
साहिल और विजय प्लान बनाएंगे, वो प्लान हम लोग को बताएंगे, मतलब उन्नति को, प्रेरणा को, अजीजा को, करण को, आदित्य को, आपको ये समझना पड़ेगा कि इनका प्लान क्या है। तो मिडिल लेवल हमेशा इंटरप्रिटेशन करता है और टॉप लेवल प्लान को फ्रेम करता है। ठीक है, हैंड रेस करके बताओ आपको मेरी बातें समझ आ गई हो तो, हैंड रेस करके बताओ आपको मेरी बातें समझ आ गई हो तो। बहुत बढ़िया, तो आपने एक और चीज कंप्लीट कर दी, अभी आपने कंप्लीट कर दिया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने कंप्लीट कर दिया। अब बचते हैं फीचर्स और कोऑर्डिनेशन। फीचर में खाली लिख के दे रहा हूं, आज नहीं समझा रहा हूं आपको, जितना समझ है उतना करना ज्यादा जरूरी है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो चैप्टर वन पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फीचर्स है इसका कोड दे रहा हूं आपको, जिससे याद हो जाएगा। ये कोड मैंने बनाया है और कोड है GDPI MCC, GDPI MCC, ये फीचर है। ठीक है, आपको एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको ये याद रखना है GDPI MCC। यहां पे ना बेटा सबको मैं डिकोड करता हूं। जी का मतलब होता है गोल ओरिएंटेड, डी का मतलब होता है डायनामिक, पी का मतलब होता है परवेसिव, आई का मतलब होता है इनटेंजिबल, एम का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल, सी का मतलब होता है कंटीन्यूअस, और फिर सी का मतलब होता है कंपोजिट। ये फीचर्स है मैनेजमेंट के जो अपने को पढ़ने हैं। कोड से याद रखना, जी से गोल ओरिएंटेड, डी से डायनामिक सर, पी से परवेसिव, आई से इंटेंजिबल, एम से मल्टी डायमेंशनल, सी से कंटिन्यूअस, सी से कंपोजिट। ये क्या करना, इस कोड को अपने रफ वर्क में लिख लेना कहीं, और एग्जाम में जैसे आएगा तो रफ वर्क में लिख लिए होगे, उसी को भर देना, तो आपको पूरा 6 के 6 आपको याद हो जाएंगे। एम आई क्लियर, मेरी बात आपको समझ आई जो मैंने आपको कहा, मेरी बात समझ आई। ये है यार आपके फीचर्स। अब हमको क्या करना है, इन फीचर्स को डिस्कस करना है। तो अपने को देश में हड़बड़ी तो कोई है नहीं। कल अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुन लो स्केड्यूल, कल क्या दिन पड़ रहा है, वेडनेसडे है ना कल? नहीं यार, कल अपना थर्सडे पड़ेगा, कल थर्सडे है। कल अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। फ्राइडे को नोट्स पढ़ेंगे प्लस इसके क्वेश्चन बनाएंगे, फ्राइडे को नोट्स और इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कल थर्सडे, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, फ्राइडे को बढ़िया नोट्स पढ़ेंगे क्लास में साथ में और क्वेश्चन बनाएंगे इसके। ठीक है, अभी बजा है 10:30, ठीक 5 मिनट बाद 10:35 को रिकनेक्ट करो, 10:35 को रिकनेक्ट करो। इकोनॉमिक्स के आज क्वेश्चन बनाना है, चैप्टर खत्म हो गया अपना, इकोनॉमिक्स के आज क्वेश्चन बनाना है अपने। ठीक है, 5 मिनट में मिलते हैं अपन।